आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसको खा के आप बाहर का स्प्रिंग रोल और मोमोज खाना भूल जाएंगे। इसके लिए हम छोटे छोटे आलू लेंगे। आलूओं को हम पतला पतला काट लेंगे। आलू हमें छीलना नहीं है, बिना छीले ही हमें उसे काटना है। अब हम हरी मिर्च भी इसमें काट लेंगे। हरी मिर्च हमें 8 से 10 चाहिए, ये थोड़ा तीखा बनाना है हमें। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। इसमें नमक भी डाल लेंगे स्वाद अनुसार। और इसमें हल्का सा हल्दी भी डाल लेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे और हम इसको अच्छे से, पानी डालते हुए हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें तेल भी मिला लेंगे, ये गरम तेल है। तीन से चार चम्मच हमें तेल मिलाना है। और पानी डालते हुए हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब तेल गरम हो गया है, हम इसका पकौड़ा तल लेंगे। पकौड़ा अब तल गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारा पकौड़ी तल के रख लेंगे। अब ये रोल बनाने के लिए हम 6 से 7 ब्रेड लेंगे। ब्रेड को पानी में, थोड़ा सा पानी लगाएंगे हम और इसको सारा पानी ब्रेड से हम निकाल लेंगे। अच्छे से सारा पानी निचोड़ लेना है ब्रेड से। उसके बाद हम इसके ऊपर, ये लाल मिर्च का चटनी है, लाल मिर्च और लहसुन का, आप चाहें तो धनिया का भी चटनी इस पे मिला सकते हैं, इसके ऊपर फैला लेंगे हम चटनी को। अब ये जो पकौड़ा तल रखे हैं इसके अंदर भरेंगे। अब हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे दबाते हुए हम इसको अच्छा सा शेप दे लेंगे। ऐसे अब चारों तरफ से हम इसको बंद कर देंगे। ये थोड़ा सा फटेगा लेकिन इसके ऊपर हम चावल का आटा लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा। और चारों तरफ से हम आटा, चावल का आटा लगा लेंगे और इसको रख देंगे। ऐसे ही एक और ब्रेड लेंगे हम। इसका पानी निचोड़ेंगे हम। अब ये चटनी लगा लेंगे। और इसमें ये पकौड़े भर लेंगे।
इसको भी ऐसे रैप करेंगे। अब चावल के आटे में हम इसको लपेट लेंगे। आप चाहें तो बिना चटनी के भी बना सकते हैं। ऐसे ही पानी से निचोड़ना है, पकौड़े रखना है और इसको दबाते हुए हम इसको गोल शेप में बना लेंगे। ऐसे ही करके हम सारा रोल तैयार कर लेंगे। चटनी लगाएंगे। ऐसी रोल दबाते हुए हम इसको बना लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चावल का आटा भी नहीं लगा सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ऐसे ही हम सारा रोल बना के तैयार कर लेंगे। अब हमारा रोल बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस जलाएंगे। इसके ऊपर पैन रख लेंगे नॉन स्टिक। पैन में हम तेल डाल लेंगे। और इसको पैन में सारे रोल को हम डाल लेंगे। इसको बनने में 5 मिनट लगेगा, दोनों तरफ सिकने में 5 मिनट लगेगा और ये बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको पलट लेंगे। अब इसमें लाल कलर आ गया है, ये पक गया है ये, और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। अंदर से भी बहुत क्रिस्पी रहता है और बाहर से भी बहुत ही स्वादिष्ट ये होता है। और ये बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और इसमें चटनी डालेंगे।